बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 57वां जन्मदिवस समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। फतेहाबाद रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर उन्हें याद करते हुए जिला अध्यक्ष राम गोपाल भगेल ने बताया कि कर्पूरी ठाकुर जी के नाम के आगे जननायक की उपाधि जुड़ी है। उनका नाम उन महान समाजवादी नेताओं की पांत में आता है जिन्होंने निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में आचरण के ऊंचे मानदंड स्थापित किए थे। पैमानों की इस ऊंचाई के कई किस्से हैं। 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे। देखिए, आज दलित पिछड़ों के एक महान नेता जिन्होंने देश और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रदेश जो पिछड़ी जातियां या ज़्यादातर निवास करती हैं उनमें एक ऐसे नेता का जन्मदिन है जिन्हें कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जाना जाता है, जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे और दशकों तक विधायक रहकर उन्होंने बिहार की सेवा करके और दलित पिछड़ों को न्याय देकर ये सिद्ध कर दिया था कि एक दलित पिछड़ी समाज का नेता बहुत अच्छा शासन चला सकते हैं, देश को और प्रदेश को संभाल सकते हैं। जिन्होंने दलित अदलित पिछड़ा और अति पिछड़ों को अलग अलग आरक्षण देकर न्यायप्रिय जो कार्य किया था उसे आज पूरा देश और प्रदेश सारे प्रदेश याद करते हैं। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने कर्पूरी ठाकुर जी को याद करते हुए बताया कि उनका ऑस्ट्रेलिया जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल में चयन हुआ था। उनके पास कोट नहीं था तो एक दोस्त से कोट मांगा, वह भी फटा हुआ था। खैर, कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर चले गए। वहां युगोस्लाविया के मुखिया मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी जी का कोट फटा हुआ है तो उन्हें नया कोट गिफ्ट किया गया। आज जब राजनेता अपने महंगे कपड़ों और दिन में कई बार ड्रेस बदलने को लेकर चर्चा में आते रहते हों तब ऐसे किस्से अविश्वसनीय ही लग सकते हैं। आज हमारे समाजवादी नेता बिहार के कई बार रहे मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी का 57वें जन्मदिन पार्टी कार्यालय पर सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बनाने का काम किया, उनके विचारों को उनकी राजनीतिक कार्य पर प्रकाश डालने का काम किया कि किस तरीके से गरीब परिवार से उठ के एक गरीबी की छाया में रहते हुए आपने पढ़ाई के साथ साथ विधायक बने, मुख्यमंत्री बने और यहाँ तक जब पहली बार विदेश गए तो मांग के कोट पहन के गए जो कि फटा हुआ था। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमारे शहर के मुखिया आदरणीय चौधरी वाजिद निसार जी के नेतृत्व में कर्पूरी ठाकुर साहब जी का 57वां जन्मदिन मनाया गया है और उससे प्रेरणा लेने का काम किया गया है कि जितने भी बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने कार्यकाल में किस तरीके से अपने जीवन को यापन किया और जितने भी लोग हैं उनकी नीति पर चलने का काम करें। जिस प्रकार मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक गाँव में जा करके की और किसी भी नेता को, किसी भी प्रमुख सचिव को बुलाने का सरकारी खर्चे पे ना खर्च करके अपनी बेटी का गांव में जाकर के शादी की और अपनी झोपड़ी जो बनी हुई थी वो झोपड़ी ही रहने दी। समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री ने बताया कि वर्ष 1974 में कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे का मेडिकल की पढ़ाई के लिए चयन हुआ पर वे बीमार पड़ गए, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती थे, हार्ट की सर्जरी होनी थी। इंदिरा गांधी को जैसे ही पता चला एक राज्यसभा सांसद को वहां भेजा और उन्हें एम्स में भर्ती कराया, खुद भी 2 बार मिलने गई, इलाज के लिए अमेरिका भेजने की पेशकश की थी, वह भी सरकारी खर्च पर। कर्पूरी ठाकुर को पता चला तो उन्होंने कहा कि वे मर जाएंगे पर बेटे का इलाज सरकारी खर्च पर नहीं करवाएंगे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी आगामी 26 जनवरी को तहसील परिसर में धरना देने का ऐलान किया है और किसानों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की बात की है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए सहयोगी सोनू कश्यप के साथ KM सिंह की रिपोर्ट।